मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पिछले दो दिनों से हम देख रहे हैं कि मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हुई हैं और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में लाइट टू मॉडरेट रेन हुई है। मराठवाड़ा में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। मुंबई में हल्की बौछारें देखी गई हैं और एक दो स्थानों पर मेघ गर्जना भी हुई है। और ये महाराष्ट्र का अगले एक सप्ताह तक किस तरह का मौसम रहने वाला है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमने देखा कि अब तापमान जो पहले सामान्य से थोड़े से नीचे बने हुए थे, पिछले तीन चार दिनों से ये तापमान बढ़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि वेदर पूरे मध्य भारत का ड्राई हुआ है। हालांकि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं एक दो दिन पहले कुछ इलाकों में हुई हैं, लेकिन इनका असर तापमान पर देखने को नहीं मिला है। चंद्रपुर ने 43 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया है। चंद्रपुर जो आपको मालूम है कि ये विदर्भ में है और उसी तरह से विदर्भ के कई इलाके जैसे के अकोला है, अमरावती है, नागपुर है और गोंडिया है, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं। और उसी तरह से जलगांव के साथ साथ शोलापुर इस इलाके में भी गर्मी काफी ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि विदर्भ और मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाके 40 से ऊपर बने हुए हैं और उसी तरह से उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में जलगांव, मालेगांव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी कुछ इलाकों में तापमान 40 से ऊपर बना गया देखा जा रहा है। और हालांकि पिछले सालों की तुलना में ये इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, अब जाकर के गर्मी शुरू हुई है। इससे पहले जो मार्च का महीना था वो अच्छा इसलिए निकला कि आपने देखा होगा कि मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो दूसरा पखवाड़ा था मार्च का, उसमें काफी अच्छी बारिश हुई थी जो तापमानों को जिसने कंट्रोल में रखा हुआ था। अब जाकर के क्योंकि वेदर ड्राई हो चुका है तो तापमान बढ़े हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब फिर से बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब तापमान इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हीट स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो हम देखने को इस समय कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक के इंसिडेंट महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और ये जो खतरा है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि पिछले सालों की तुलना में अभी गर्मी लेट शुरू हुई है, लेकिन अब ये खतरा बढ़ चुका है। अब ये तापमान और ज्यादा बढ़ेंगे, 44-45 डिग्री तक भी तापमान जा सकते हैं, जिससे कि हीट स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और हीट स्ट्रोक के समय क्या होता है कि जो हमारा जो अगर हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते, यानी पानी वगैरह नहीं लेते कंटिन्यूस, कुछ ना कुछ जूस या पानी या लिक्विड अगर इंटेक नहीं लेते, तो हमारा जो शरीर है उसका तापमान बढ़ जाता है और जो खून है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है और ये दिमाग में भी असर करता है और ये काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। तो अगर इस समय क्या है कि जो तापमान बढ़ रहे हैं, तो 11 बजे से 4 बजे के बीच अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो बाहर ना निकलें, और कोशिश करें अगर आपको निकलना भी पड़ता है तो अपने आप को ढक के, शरीर को ढक के निकलें और छाता लेके या सिर पर टोपी वगैरह लगा कर निकलें और अपने साथ पेय पदार्थ लेके निकलें, पानी या सिकंजी कुछ भी लेके चलें, जिससे कि आप इससे बचे रहें। तो ये पिछले सालों जो अगर देखा जाए तो 2015 से लेकर के 2022 तक जो फैटलिटी थी काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन अब ये जैसे मैंने बताया कि अब जब तापमान बढ़ेंगे खतरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब क्या है कि पिछले 24 घंटों में जो बारिश की गतिविधियाँ हुई थी, आज 15 और 16 तारीख को, यानी कि आज 14 तारीख है, तो आज 14 तारीख को भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं, यानी कि नासिक, औरंगाबाद, जलना, अहमदनगर, ठाणे, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में आप बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की देखेंगे या मेघ गर्जना देखेंगे। 15 और 16 तारीख को बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मेघ गर्जना कुछ इलाकों में ये मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के इलाकों में देखने को मिलेगी। लेकिन 17, 18 और 19 तारीख को बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने वाली हैं और उस समय ये जो पूरा मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा और विदर्भ में जो अभी तक सूखा बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और जो 19 तारीख को ये पूरा गोंडिया से लेकर के वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, यवतमल, अमरावती, अकोला, वाशिम, ये जो है इलाका बुलदाना, हिंगोली, जलना, नांदेड़, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं, ये काफी दिनों के बाद बारिश देखेंगे। और जो मध्य महाराष्ट्र है इस इलाके में भी बारिश रहेगी, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्की बौछारें देखने को मिल सकती है, पुणे में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, परवनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, इस इलाके में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा
कम नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो गर्मी है उससे कुछ राहत अगले कुछ दिनों में मिल सकती है। 20 तारीख से एक बार फिर महाराष्ट्र का तापमान बढ़ने लग जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा और फिर से गर्मी आ सकती है और हो सकता है कि हीट वेव की संभावना भी अप्रैल के आखिर में कुछ इलाकों में जो बन रही है, ये खास करके उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में। जो भी अपडेट होगा इसके आगे का मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।